हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल। ये टॉपिक जो है क्वालिटी एश्योरेंस का है। ठीक है, अभी तक अपन ने पढ़ा है कि जब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग या कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग है, उस यूनिट को अपन डालते हैं तो उसका प्रीमाइसेस कैसा होना चाहिए, है ना, लेआउट, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, वो सारा का सारा। अब डिजाइन कंस्ट्रक्शन जब तैयार हो गया है, उसके बाद बात आती है कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे फॉर स्टार्टिंग ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर वो टैबलेट की है तो भी या फिर कैप्सूल की है तो भी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से आप रॉ मटेरियल मंगा सकते हैं, रॉ मटेरियल मंगाते समय किस किस बातों का ध्यान रखना है, क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, इक्विपमेंट कौन कौन से लाने हैं और इक्विपमेंट किस हिसाब से स्पेसिफिक परचेज कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे पहले इक्विपमेंट के बारे में। तो इक्विपमेंट को अगर मैं डिफाइन करने जाऊँ तो इक्विपमेंट मे बी डिफाइंड एज फिजिकल एंटिटी which is used to carry out general or specific activity in a pharmaceutical plant. Okay, equipment मतलब कि आपको equipment की requirement है तो आप पहले तो या फिर तो उसको assemble करवाओगे या फिर वो अगर ready to use में है तो कौन सा equipment है, किस हिसाब से वो tablet compression machine के लिए है, किस हिसाब से आप जो equipment purchase करना चाहते हो, है ना, उसके बारे में सारा का सारा अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर फिजिकल एंटिटी मतलब इक्विपमेंट को अगर डिफाइन करूँ, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इक्विपमेंट क्या है, फिजिकल चीज है ना, फिजिकल एंटिटी विच यूज टू कैरी आउट अ जनरल स्पेसिफिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल एक्टिवली फार्मास्यूटिकल इम्प्लांट। इट कैन बी सिंपल पीस ऑफ एग्जाम्पल टेबलेट कंप्रेशन मशीन हो या फिर वो वेइंग मशीन हो, है ना, किसी भी टाइप की हो सकती है। इक्विपमेंट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट कम्स टूगेदर टू परफॉर्म ए सिंगल एक्टिविटी। मतलब इक्विपमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिंगल एक्टिविटी जो है या फिर तो वो टैबलेट कंप्रेशन मशीन है या कैप्सूल बना रहा है, इक्विपमेंट जो है बहुत सारे इक्विपमेंट मिलके एक सिंगल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे कि टैबलेट जब अपन बनाते हैं तो उसमें कौन सी जैसे कि आल जब मिक्सिंग के लिए अपन मील्स यूज करते हैं, ऑल मील, है ना, बॉल मील, वो सारे की सारी मील्स जो है, सारे के सारे इक्विपमेंट कौन से काम को परफॉर्म कर रही है, ओनली वन फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चर। ठीक है, ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट या इंडिविजुअल इक्विपमेंट कौन कौन से लगते हैं, किस किस में इक्विपमेंट की क्या क्या गाइडलाइन है, किस हिसाब से अपन को परचेज करना है, उसके बारे में। तो इक्विपमेंट इज जनरली वन ऑफ मेजर इनपुट अलोंग विद द पीपल फैसिलिटी मटेरियल एंड सिस्टम। द क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मच डिपेंड ऑन द सस्टेनेबिलिटी एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट यूज सिंस मेजर रिक्वायरमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जीएमपी गाइडलाइन, गुड मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइन। ठीक है, तो जीएमपी क्या बोल रहा है कि रेगुलेटरी लिटरेचर जीएमपी इन वेरियस कंट्री गिव्स एनफ इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड गाइडेंस लाइन द मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट इन फार्मास्यूटिकल प्लांट। मतलब इक्विपमेंट को लाके उसको कितने अच्छे से अपन यूज कर सकते हैं ताकि अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए, है ना। जैसे कि किसी टैबलेट मशीन का जो है एक दिन में 1 लाख टैबलेट वो निकालती है, तो कैसे अपन रिसोर्सेज ला सकते हैं, किस हिसाब से उस पर काम कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अपन उस पर मैन्युफैक्चरिंग कर सके, है ना, उसका जो है मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इक्विपमेंट का सारा, उसके बारे में अपन जीएमपी गाइडलाइन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव ए ग्लेंस ऑन इंटरनेशनल जीएमपी लिटरेचर। फॉलोइंग पॉइंट्स कम अप, दोज आर कौन कौन से हैं जीएमपी के अकॉर्डिंग, लोकेशन और डिजाइन क्या है, है ना, प्रिवेंटिव एंड ब्रेक डाउन ऑफ मेंटेनेंस। मतलब ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए आपके पास जो कि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फ्लोर तोड़े नहीं, जिसकी आप 1 लाख 2 लाख टैबलेट बना रहे हैं तो कंटिन्यूसली वो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, है ना। तो मेंटेनेंस प्रिवेंशन नहीं होने, कंस्ट्रक्शन जो है, साइज एडॉप्शन, क्लीनिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन, इक्विपमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका क्लीनिंग टाइम टू टाइम होना चाहिए, ना। इसके लिए अपन ने आगे वीडियो में पढ़ा हुआ है कि क्लीनिंग वैलिडेशन कैसे करते हैं, ना। क्लीनिंग वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कि एक टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन है उस पर पैरासिटामोल टैबलेट जो है बन चुकी है, अब अपन उस पर डाइक्लोफेनेक टैबलेट बनाना चाहते हैं तो अपन को पहले उसका क्लीनिंग वैलिडेशन करना पड़ेगा, अपन को डॉक्यूमेंटली प्रूफ करना पड़ेगा कि इस टैबलेट में अब इस टैबलेट में कंप्रेशन मशीन में अब पैरासिटामोल के कोई भी पार्टिकल मॉलिक्यूल नहीं है, वरना क्या होगा, क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा है, समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन एंड कैलिब्रेशन, वो तो अपन को पता ही है, एक एक अपन ने जैसे कि पीएच का कैलिब्रेशन पढ़ा हुआ है। क्वालिफिकेशन ऑफ एंड वैलिडेशन, जैसे कि अपन ने पढ़ा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन।
एंड ऑटोमेटिक मशीन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ठीक है, अब बात आती है सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, किसी भी इक्विपमेंट का सिलेक्शन कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट एंड सर्विसिंग। जैसा कि मैं एक मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल दूं, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अपन जब फोर व्हीलर गाड़ी परचेज करने जाते हैं तब अपन कौन सी गाड़ी लेते हैं, ज्यादातर मार्केट में मारुति सुजुकी की गाड़ी आती है। ठीक है, अगर अपन ने ऑडी गाड़ी खरीद ली, ठीक है, तो बात तो अच्छी है ऑडी खरीद ली, बट उसकी सर्विसिंग के लिए अपन को कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से जैसे कि मेन जो इसके सर्विसिंग सेंटर है जो इंडिया में 10 से 15 ही है, तो आपको उस जगह जाना पड़ेगा गाड़ी के लेकर सर्विसिंग कराने के लिए। राइदर देन आप मारुति सुजुकी खरीदे तो हर गली में आपको इसके सर्विस सेंटर वाले मिल जाएंगे, है ना। तो मैन कहने का मतलब ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आप जो इक्विपमेंट मंगा रहे हो वो फॉरेन से जो भी मंगा रहे हो, तो उसकी सर्विसिंग सेंटर जो है इंडिया में होनी चाहिए। ऐसा नहीं उसकी सर्विस सेंटर नहीं है और नेक्स्ट इसके स्पेयर पार्ट भी नहीं मिल रहे हैं, तो आपका इक्विपमेंट जो है वो रुक जाएगा काम करने का। ठीक है, मीन वेल आपको इक्विपमेंट ऐसा सिलेक्शन करना है जिसके स्पेयर पार्ट एंड सर्विसिंग आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, इफ बाई चांस अगर कोई इक्विपमेंट में गड़बड़ आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है द फ्रिक्वेंसी एंड इजी ऑफ मेंटेनेंस विल बी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इवन क्वान्टिटी। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या है कि फ्रिक्वेंसी मेंटेनेंस जो है अगर सर्विसिंग प्रॉपर तरीके से होगी, स्पेयर पार्ट अपन को प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, तो जिसमें जो प्रोडक्टिविटी है अपने प्लांट की, है ना, वो कम नहीं होगी, वो फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली मेंटेन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा इक्विपमेंट सेलेक्ट करना चाहिए, इक्विपमेंट ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग कुड एडवर्सली इफेक्टेड क्वांटिटी इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस इवोल्यूशन शुड बी क्लीन एबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज दिस विल बी इन्वॉल्व द एक्सेसिबिलिटी टू पार्ट्स टू बी क्लीन एंड रिलेटिव इजी डिसेबिलिटी एंड प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड डिजाइन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेस कंट्रोल सच ऑटोमेटिक वेइंग मशीन एंड एडजस्टमेंट। मतलब इस टाइप का अपन को इक्विपमेंट परचेज करना है, सिलेक्शन करना है जिससे कि अपने प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम नहीं हो, है ना, क्वांटिटी बरोबर, क्वालिटी बरोबर मेंटेन रहे और उसके अपन को टाइम टू टाइम स्पेयर पार्ट एंड सर्विसिंग मिल सके। ठीक है, और इजी टू हैंडल में हो, है ना। फिर नेक्स्ट बात आती है सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट के बाद परचेज और स्पेसिफिकेशन। परचेज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गाइडलाइन है। तो बिफोर वी टेक ए डिसीजन टू परचेज ऑफ इक्विपमेंट वी नीड अ लुक ऑफ मनी एस्पेक्ट, है ना, कितना अपन अफोर्ड कर सकते हैं और कितने तक अपने प्रोडक्टिविटी है। जैसे कि अपने प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग है कि 1 DM में अपन 1 लाख टेबलेट बनाने का सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से अपन को इक्विपमेंट परचेज तो करना है, बट वो होना चाहिए कि पैसे, मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दिस प्राइमरी हेल्प टू यूज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट। ओके, जो जो अपन को रिक्वायरमेंट है वो उसमें मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कौन सा मंगा रहे हैं और वो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर रहा है, कहीं कहीं वीक पॉइंट है, तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, फॉलोइंग क्वेश्चन में बी अराइज द रिलेशन डिजाइन साइज लोकेशन एडॉप्शन कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ इक्विपमेंट। आपकी कंपनी में सुटेबल जो है डिजाइन लोकेशन वो सारा का सारा देखकर आपको मंगवाना है। ठीक है, and why the need of arise the purchase equipment, for example creation new a facility increase the capacity। मतलब अगर आप कोई इक्विपमेंट लेते हो, है ना, जैसे कि अपन एक मैं लैपटॉप का एग्जांपल दूं, अगर आपका लैपटॉप पुराना हो गया है, एग्जांपल जो कंप्यूटर है, तो आप क्या करेंगे उसमें कि अभी की न्यू रैम डलवा देंगे ताकि उसकी स्पीड जो है प्रॉपर तरीके से जाए। तो ऐसे भी इक्विपमेंट को आपको किस हिसाब से रिन्यू कराना है, उस हिसाब से आप इक्विपमेंट को परचेज कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना है। For the sterilization, next चलते हैं अपन। For the example, equipment capacity analysis, granulation and sterilization. Okay. Next, what the capacity equipment should have terms output and holding. For example, lakh tablet per shift and 10,000 of liter of liquid. ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि लाख, 1 लाख टैबलेट बनाने का जो टारगेट है वो उस हिसाब से आपका स्पेशल रिक्वायरमेंट जो है वो सारी की सारी उस इक्विपमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फॉलोइंग फैक्टर आर टेकिंग इनटू कंसीडर व्हाइल द परचेजिंग ऑफ द मटेरियल। ठीक है, किन किन बातों का अपन को ध्यान रखना है, राइट सोर्स, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम एंड राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सब बातों का अपन को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट बोलते हैं अपन WHO गाइडलाइन क्या बोलती है अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट मस्ट बी लोकेटेड डिजाइन कंस्ट्रक्शन एडेप्ट एंड मेंटेन टू सूट द ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट।
है ना, इक्विपमेंट सुटेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू उसके लोकेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डिजाइन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और ऑपरेट भी अपन इजीली कर सकते हैं उस हिसाब से ही वो इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, द लेआउट एंड डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट मस्ट एम मिनिमाइज रिस्क ऑफ एरर। मतलब ऐसा इक्विपमेंट अपन को चूज करना है जिसमें कि एरर के कम से कम चांस हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल इन सच वे एज मिनिमम एनी रिस्क ऑफ एरर ऑफ कंटामिनेशन। सेम अभी अपने मैंने जो बताया आपको, ऐसा इक्विपमेंट अपन को चूज करना है जिसमें मिनिमम कम से कम एरर के चांसेस बने। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्शन इक्विपमेंट शुड बी डिजाइन लोकेटेड एंड मेंटेन टू सर्व इंटेंडेड पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्शन इक्विपमेंट शुड बी डिजाइन सो दैट इट कैन बी इजीली थ्रो क्लीन आउट द शेड्यूल बेसिस, एंड प्रोडक्शन इक्विपमेंट शुड बी नॉट प्रेजेंट एनी हैजर्ड टू द प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कोई भी प्रोडक्शन ऑपरेशन के लिए वो इक्विपमेंट इजी होना चाहिए एंड किसी भी हैजर्ड नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए। एंड द पार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट दैट कम इन कॉन्टेक्ट विद द प्रोडक्ट मस्ट बी रिएक्टिव एडेप्टिव एब्जॉर्प्टिव एंड टू द एक्सटेंट दैट द वुड अफेक्टेड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आगे अपन चलते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। ये बात हो गई अपनी इक्विपमेंट के बारे में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन अपन ने कर लिया, इक्विपमेंट सारे सेट कर लिए, अब अपन जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या बात करते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाएंगे, है ना, वेंडर कहाँ से आएगा, किस वेंडर से अपन को रॉ मटेरियल मंगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं वेंडर की। वेंडर क्या होता है, जहां से अपन रॉ मटेरियल मंगाने वाले हैं, कच्चा माल जिससे अपन मंगाने वाले हैं ना। कच्चा माल मतलब आप रॉ मटेरियल समझते होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर टैबलेट की मैं बात करूँ तो एपीआई है, फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट, एपीआई और एक्सीपिएंट जो है अपने रेदर देन एपीआई, वो सारे के सारे रॉ मटेरियल, उनको कॉम्बिनेशन करके अपन को टैबलेट बनाना। ठीक है, तो रॉ मटेरियल किस वेंडर से आप मंगा रहे हैं, मतलब वेंडर दो टाइप के हैं। फर्स्ट, एक तो वेंडर ऐसा है जो कि क्वांटिटी और क्वालिटी टेस्ट करके आपको माल प्रोवाइड करवाएगा रॉ मटेरियल, जिसको कि आपको और क्वांटिटी क्वालिटी टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आप उसको यूज कर सकते हैं टैबलेट बनाने। दूसरा वेंडर ऐसा होगा जो कि आपको क्वालिटी क्वांटिटी टेस्ट कुछ करके नहीं देगा, सीधा सीधा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा, आपको ही उसका क्वांटिटी या क्वालिटी टेस्ट करना पड़ेगा, देन आपको उसको यूज करना, है ना। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से आप रॉ मटेरियल मंगा सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन की मैं बात करूँ रॉ मटेरियल की, तो ऑल द मटेरियल दैट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए फिनिश बल्क, इवन थ्रू इट मे नॉट बी प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन सॉल्वेंट and which not consumed by the person using the overall raw material। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया, जैसे कि एग्जाम्पल दो, मेरा टमाटर सॉप बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं अपन, या केचप बना रहे हैं, तो टमाटर जो है और सारे सारे इंग्रेडिएंट वो क्या हो जाएंगे, रॉ मटेरियल हो जाएंगे, और फाइनल अपना प्रोडक्ट क्या है, केचप। ठीक है, उसी हिसाब से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यही है कि रॉ मटेरियल मतलब जहाँ से अपन एपीआई मंगा रहे हैं, जहाँ से एक्सीपीएन मंगा रहे हैं, वो सारे रॉ मटेरियल है, और फाइनल जो प्रोडक्ट अपन बना चाहते हैं वो टैबलेट या कैप्सूल है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कैन बी आइदर एक्टिव ड्रग एंड इनएक्टिव ड्रग सब्सटेंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो एपीआई भी हो सकती है और नॉन एपीआई प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, एपीआई बोले तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब जब रॉ मटेरियल की बात आती है तो उसके भी परचेज के कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो क्या क्या है वो अभी अपन पढ़ेंगे। रिटन गाइडलाइन दैट प्रिस्क्राइब डिफाइन द ऑपरेशनल फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज क्वांटिटी एंड क्वालिटी of the particular item to be acquired। ठीक है, मोड ऑफ परचेज बाय इंस्पेक्शन, बाय सैम्पलिंग, बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रांड, बाय ग्रेडिंग। ठीक है, किस हिसाब से अपन परचेज कर सकते हैं, या फिर तो अपन उसकी सैम्पलिंग करके, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रांड किस हिसाब से है वो, या उस प्रोडक्ट की ग्रेडिंग किस हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ एक स्टेप दे रखे हैं, स्टेप इन्वॉल्व इन परचेजिंग ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, परचेज करते समय किस किस बातों को, किस किस स्टेप को अपन को फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज रिक्विजिशन, ठीक है, सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, थर्ड इज इनवाइटिंग ऑफ क्वोटेशन। क्वोटेशन आपको भेजना पड़ेगा, कितना क्वोटेशन आप चाहते हैं, कितना क्वोटेशन आपका है, है ना। प्लेसिंग द ऑर्डर, फिर रिसीविंग द मटेरियल, चेकिंग ऑफ इनवॉइस बिल, रिकॉर्डिंग ऑफ इनवॉल्व इन बिल इन बुक, एंड रिलीज द पेमेंट ऑफ सप्लायर। मतलब सिंपल, जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी बिजनेस में जैसा होता है ना, पहले अपन क्या करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर अपन सेलेक्ट करते हैं सप्लायर किस किस से थ्रू अपन मंगाएंगे, फिर अपन उसका अपन अपना कोटेशन भेजते हैं, भाई आपको कोटेशन भेजो, कितने में आप ये मेरे को माल प्रोवाइड करवा दोगे,
फिर आप उसको ऑर्डर दोगे भाई इतने इतने मेरे को किलो ये पैरासीटामोल चाहिए, ठीक है, फिर आप रिसीव करोगे मटेरियल को, फिर चेक करोगे बिल और फिर उसको आगे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर लोगे, है ना। नेक्स्ट इसमें आता है स्टाफ इन्वॉल्व इन परचेजिंग हैव ए पर्टिकुलर थ्रू आउट द नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सप्लायर, ठीक है, स्टाफ को पता रहना चाहिए, स्टाफ को इन्वॉल्व करना चाहिए किस वेंडर से अपन मंगा रहे हैं, क्योंकि आखिर बेस लेवल पे ग्राउंड लेवल पे वही काम कर रहे हैं, उनको ही पता रहता है एक्चुअली किस क्वांटिटी का कौन से वेंडर से जो है अपना माल जो है एपीआई है बेटर रहता है कौन सा नहीं रहता, ठीक है। रॉ मटेरियल कैन बी परचेज फ्रॉम द सप्लायर नेम इन द रिवेलेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट फ्रॉम प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट फार्मासिस्ट और केमिस्ट हु इज द फेमिलियर विद द क्वांटिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट कैन बी हेल्ड इन परचेज डिपार्टमेंट, ओके। एक मतलब कुल मिला के जो स्टाफ मेंबर है उनको भी आपको इन्वॉल्व करना चाहता है, क्योंकि जो सारा का सारा मटेरियल को यूज कर रहे हैं डेली एनालिसिस कर रहे हैं उनको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सा प्रोडक्ट जो ज्यादा एफिशियंट है, कौन सा क्वालिटी वाइज गुड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें रॉ मटेरियल का, फर्स्ट परचेज स्पेसिफिकेशन, सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ स्टोर, ठीक है। तो स्टोर एरिया स्पेसिफिकेशन क्या है कि सफिशियंट कैपेसिटी होनी चाहिए रॉ मटेरियल को रखने के लिए, क्लीन ड्राई एंड मेंटेन विद इन द एसेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर सुटेबल होना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई कोई एपीआई जो है उनके लिए सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो वहीं डिग्रेड हो जाएंगे, है ना। तो सुटेबल टेम्परेचर होनी चाहिए स्टोर में, इंश्योरिंग द सेपरेट सैम्पलिंग एरिया होना चाहिए, है ना, सेग्रेटेड फ्रॉम द स्टोरेज रिजेक्शन रिकॉल रिटर्न मटेरियल, इसके लिए अलग से एक सेग्रेट होना चाहिए जहाँ पे रिजेक्शन जो रिकॉल माल आया हुआ है उसको भी अपन साइड में कर सकते हैं, ठीक है। सेफ सिक्योर एरिया, नार्कोटिक्स अगर कोई ड्रग है तो उसको अलग से अपन उस एरिया में, डेंजरस ड्रग है उसको रख सकते हैं, तो स्टोर एरिया जो है वो उस हिसाब से होना चाहिए ना। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टोरिंग कंडीशन क्या क्या है, वो भी गाइडलाइन में दे रखी है। तो रूम टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वो ऐसा होना चाहिए, और RH जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 60% होनी चाहिए। AC स्टोरेज, AC का टेम्परेचर जो नॉर्मल अपन देखते हैं 25 डिग्री टेम्परेचर एंड 45 डिग्री RH जो होना चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लोअर टेम्परेचर अगर कोई आई ड्रॉप प्रिपरेशन है या ऐसा कोई प्रिपरेशन है जो कि कूल्ड टेम्परेचर में अपन रखना चाहते हैं ना, कोल्ड एंड कूल, कूल मतलब जो 8 से 25 डिग्री टेम्परेचर उसको कूल बोलेंगे, कोल्ड बोले तो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर उसको कोल्ड बोलते हैं ना। तो कुछ एक ड्रग आपको देखते होंगे स्टोर इन कूल प्लेस, इसका मतलब ये वो रूम टेम्परेचर में आपको उसको ड्रग को रखना है ना, नॉर्मल स्ट्रिप पे अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइट सेंसिटिव अगर मटेरियल है तो उसको एम्बर कलर के कंटेनर में रखना है ना, ताकि उसमें लाइट सेंसिटिव जो ड्रग है वो डैमेज डिग्रेड नहीं हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट लेबलिंग ऑफ मटेरियल इन स्टोरेज एरिया, बाकी जो रॉ मटेरियल है उसमें भी जो आपको लेबलिंग करके रखना है मटेरियल को, बैच वाइज डिजाइन वाइज कौन सा यूज होगा कौन सा नहीं होगा, एक्सपायरी डेट कौन सी है, कब आया कब रजिस्ट्रेशन, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी व्हाइल द रॉ मटेरियल परचेज, ओके। थैंक यू सो मच।